हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ए पी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेल एनवेलप के अंडर सेल वॉल आउटर कवरिंग जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो कि कुछ एक यू सेल्स में प्रेजेंट होती है जैसे कि प्लांट सेल फंगल सेल अब हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट ऑफ सेल एंड दिस टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन

सेकेंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सी सेल में प्रेजेंट होती है तो प्रो कैर एंड यू कैरेड्स दोनों टाइप की सेल में जो है ये प्रेजेंट होगी कोई भी लिविंग सेल है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इसलिए ये है एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट सो इट इज प्रेजेंट बोथ इन प्रो कैरेड्स एज वेल एज यू कैरेड्स अब बात करते हैं नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह का नेचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज थिन ट्रांसपेरेंट इलास्टिक लेयर होगी और रीजेनरेटिव है यानी कि अगर डैमेज हो जाएगी तो रीजेनरेशन इसमें होगा इट इज सेमी परमीएबल मैम्ब्रेन सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमीएबल मैम्ब्रेन इट मीनस कि सिलेक्टेड जो मॉलिक्यूल्स होंगे वही पास होंगे से सेल में एंटर करेंगे एंड नेक्स्ट ये जो नेचर है देखो इलास्टिसिटी ये प्रोवाइड कर रहा है तो इट मीन्स प्लाज्मा मैमब्रेन इज डायनामिक इट डायनामिक नॉट स्टैटिक अब बात कर लेते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ अ प्लाज्मा मैमब्रेन की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है प्लाज्मा मैम्ब्रेन की तो जो केमिकल स्टडी थी ये पॉसिबल हुई थी आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और कौन सी सेल्स जो है वो बेस्ट मटेरियल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करने के लिए तो ह्यूमन आरबीसी या एरिथ्रोसाइट क्योंकि ये जो सेल्स है विदाउट न्यूक्लियस है इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा और ना ही अदर जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनलीज है वे भी प्रेजेंट रही हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है सो इट इज द बेस्ट मटेरियल टू स्टडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आरबीसीएस के केस में लिपिड्स प्रोटीन ये कितने परसेंट प्रेजेंट होती है तो लिपिड्स हैं फोर्टी परसेंट प्रोटीन हैं फिफ्टी टू परसेंट और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वन टू फाइव परसेंट प्रेजेंट होंगी ऑल दो इनकी जो कंपोजिशन है ये भी वेरिएबल रहती है अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट <coughs> हम बात करेंगे केमिकल कॉम्पोजिशन के अंडर फर्स्ट कंपोनेंट है लिपिड्स सो फर्स्ट इज लिपिड्स एंड लिपिड्स आर फॉर्मड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल की ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं लिपिड्स तो फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में ये प्रेजेंट होंगे और फॉस्फोलिपिड्स या फिर फॉस्फोग्लिसराइड्स बोल सकते हैं इस फॉर्म में ये प्रेजेंट है सेकंड ये जो फॉस्फोलिपिड्स है हैं दीज आर एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल ये किस तरह का नेचर है इनका एम्फीपैथिक है एम्फीपैथिक मीन्स कि इनमें एक एंड जो है वो हाइड्रोफोबिक है यानी कि वाटर लविंग होगा सो हेड रीजन इज हाइड्रोफोबिक सॉरी हेड रीजन इज हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग जो कि एक्वस मीडियम है ये उस तरफ को रहेगा और जो टेल है तीस आर हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक टेल्स प्रेजेंट है अब इनकी अरेंजमेंट की जो है हम नेक्स्ट बात करेंगे कि ये कैसे अरेंज्ड होती है बट एम्फीपाथिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ जिसमें दो एंड्स रहेंगे एक हाइड्रोफिलिक और दूसरा हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक कौन सा है तो हेड हाइड्रोफिलिक है के केस में और जो हाइड्रोफोबिक एंड है दैट इज टेल यानी कि फैटी एसिड की चेन होगी एंड हेड रीजन यानी कि ग्लिसरॉल यहाँ पे प्रेजेंट है And अब next हम बात करेंगे कि जो कि फोलिपिड है तो सबसे अब क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म और स्टेरॉल्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं एंड नेक्स्ट है स्टेरॉल्स लाए इन बिटवीन द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इनकी जो पोजिशन है वो कहां पर होगी जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें ये अरेंजमेंट है इस तरह से जो है वो फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है और ये कैसे अरेंज्ड है तो एक दूसरे की तरफ ये इनकी टेल्स होंगी ताकि ये वाटर रेसिस्टेंट जो है वो एज अ बैरियर एक्ट करेंगे और कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे प्रेजेंट है तो यहां पे जो है वो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होंगे बिटवीन फॉस्फोलिपिड्स सो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट है प्रोटीन लिपिड रेशियो सो हमने पहले भी बात की थी कि जो प्रोटीन और लिपिड की जो रेशो हमने बात की 40 और 52 टू रेशो है वो RBC's के केस में है अदरवाइज इट इज वेरिएबल तो वेरिएबल रहेगी अब प्रोटीन्स जो है ये दो तरह की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन की कितनी आसानी से जो है वो किसी प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है तो दो कैटेगरीज है एक्सट्रेंजिक प्रोटीन एंड और पेरीफ्रल प्रोटीन्स यानी कि जो पेरीफ्रल साइड पे प्रेजेंट होगी बाहर की तरफ को जो प्रेजेंट होंगी पेरीफ्री की तरफ को दीज आर एक्सट्रेंसिक प्रोटीन्स और यही इजीली एक्सट्रैक्ट भी होंगी सेकंड है इंट्रेंसिक प्रोटीन्स और इंटेग्रल प्रोटीन्स दीज आर बर्ड इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कि उसमें जो है वो बर्ड होंगी और पार्शली बर्ड हो सकती हैं कंप्लीटली बर्ड हो सकती हैं सो नेक्स्ट जो है मॉडल्स में हम बात करेंगे इनकी अरेंजमेंट की डिटेल में एक्सट्रेंसिक एंड इंट्रेंसिक प्रोटीन्स फर्स्ट दीज प्रोटीन्स जो एक्सट्रेंसिक प्रोटीन है और पैरिफ्रल प्रोटीन्स है ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगी दीज लाई आउटसाइड द सरफेस ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाई फॉस्फोलिपिड बाई के आउटसाइड पे जैसे यहां पे जो है वो एक्सट्रेंजिक प्रोटीन्स है लाइक like दिस बाहर बाहर जो है दीज आर एक्सट्रेंसिक प्रोटीन्स और इंट्रेंसिक प्रोटीन्स किस तरह से है ऐसे अम्बेड होंगी सो कितना परसेंट जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी दर्टी परसेंट एंड इनकेस ऑफ इंटेग्रल प्रोटीन तो इंटेगरल प्रोटीन में दीज आर ऑल्सो नोन एज ट्रांस मेमब्रेन और टर्नल प्रोटीन्स इनको बोला जाता है सो so, ट्रल्स मेम्ब्रेन और टनल प्रोटीन्स क्योंकि ये एज अ चैनल एक्ट करेंगी सब स्टल्स को ट्रांसपोर्ट करने में सेकेंड पोजिशन पार्शियली और कंप्लीटली अम्बेड इन द फॉस्फोलिपिड बाई लेर एंड दे फॉर्म सेवेंटी परसेंट ऑफ द प्लाज्मा ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन सेवेंटी परसेंट ये बनाएंगे तो अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की फर्स्ट हम बात करेंगे एक्सट्रेंजिक प्रोटीन के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं फर्स्ट इज स्पेक्ट्रीन सेकेंड है ए टीपीएस ये भी एक्सट्रेंसिक प्रोटीन है देन एसिटाइल कॉल इन एस्टोरेज देन नेक्स्ट है इंट्रेंसिक प्रोटीन के एग्जाम्पल साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंड नेक्स्ट इज रोडोपिन नेक्स्ट कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स दे फॉर्म ओनली वन टू फाइव परसेंट इनका जो कंट्रीब्यूशन रहता है एक से पाँच परसेंट होगा किस फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स सो दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइको प्रोटीन्स और ग्लाइको लिपिड्स की फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करेंगे और मेनली ओलीगोसेकेराइड जो है वो प्लाज्मा uh, मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं ओलीगोसेकेराइड मतलब जिसमें टू टू टेन जो है वो मोनोसेकेड्स होंगे उसमें ऐड या मोनोशुगर जो है वो ऐड होंगे सो so, पॉलीसेकेराइड्स की जो है वो अलग कैटेगरी होती है और ओलीगोसेकराइड में टू टू टेन तक के आते हैं लिमिट रहती है सो so, ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में कैसे हैं जैसे शुगर और प्रोटीन ये एसोशिएट हो गए तो ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करेंगे और दूसरी फॉर्म कौन सी है तो शुगर ग्लाइको मींस शुगर और साथ में लिपिड फैट के फॉर्म में तो ग्लाइको लिपिड्स के फॉर्म में भी जो है वो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। देन नेक्स्ट जो है अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वैसे तुम तो जो वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है वो है फ्लूड मोजाइक मॉडल लेकिन जो है हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे इससे पहले दो मॉडल्स जो दिए गए थे फर्स्ट है सैंडविच मॉडल सो सैंडविच मॉडल इट वॉज प्रपोज बाय जे डेनियल एंड डेबसन ने इसको प्रपोज किया है अब सैंडविच वर्ड का यूज क्यों किया गया तो जैसे सैंडविच होती है ना ऊपर ब्रेड नीचे ब्रेड और बीच में स्टफिंग होती है कुछ इस तरह से जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी अरेंज थे लेकिन इसमें क्या था जैसे हम ब्रेड की बात कर रहे हैं तो प्रोटीन्स, लिपिड एंड प्रोटीन और ये हम जो है वो डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो लेयर है ये प्रोटीन की लेयर है प्रोटीन लेयर जो एक्सटर्नल प्रोटीन लेयर रहेगी और जो इंटरनल प्रोटीन लेयर है ये इस तरफ को है तो ये हो गया जैसे कि हम ब्रेड की बात कर रहे थे और बीच में क्या प्रेजेंट है इसके तो फॉस्फोलिपिड जो, जो, जो है वो प्रेजेंट प्रेजेंट यानी कि एक होगी ये किस फॉर्म में अरेन्ज होते हैं फॉस्फोलिपिड बाईलेयर बनाएंगे जिसके एंड्स जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कैसे है एम्फीपाथिक नेचर है फॉस्फोलिपिड्स का हाइड्रोफिलिक हेड है और हाइड्रोफोबिक जो है वो टेल है और ये जो टेल्स है दे आर फेसिंग टूवर्ड्स ताकि ये वाटर रेसिस्टेंट बैरियर बना सके मैमब्रेन मॉडल सो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में जो है ये प्रपोज किसने किया सो इट वॉज गिवन बाय डेविड रॉबर्टसन डेविड रॉबर्टसन ने ये मॉडल दिया अब इन्होंने क्या बात कही ईच बायो ब्रेन इज फॉर्म ऑफ वन और मोर यूनिट मैमब्रेन कि जो बायो बायोमैम्ब्रेन है ये एक या एक से ज्यादा यूनिट मैमब्रेन की बनी हुई है अब यहाँ पे हम बात करें तो मान लीजिए ये एक सेल है इसकी जो आउट कवरिंग रहेगी कि फॉर एग्जाम्पल एनिमल सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है आउटर कवरिंग अंदर जो ऑर्गेनलीज है फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियस प्रेजेंट है माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है सो so, इनकी अपनी कवरिंग्स होगी डबल मेमब्रेन स्ट्रक्चर है तो ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या होती है कि फंडामेंटली जो है इनमें सिमिलैरिटीज रहती हैं तो इन्होंने क्या वर्ड यूज किया यूनिट मेम्ब्रेन जो है बायोमेंब्रेन के लिए यूज किया अब लैमिलर मॉडल्स तो लैमिलर मॉडल्स टर्म किसके लिए यूज की गई सैंडविच मॉडल एंड यूनिट मैम्ब्रेन मॉडल दीज आर कलेक्टिवली नोन एज लैमुलर मॉडल्स इन दोनों को क्या बोल दिया गया लैम्युलर मॉडल्स बोल दिया गया सो यहाँ पे भी जो अरेन्जमेंट है वो सेम अरेन्जमेंट है आउटर प्रोटीन लेयर यहाँ पे दी गई है हाइड्रोफिलिक एंडस हैं हाइड्रोफोबिक टेल है और इनर जो है वो प्रोटीन लेयर है इस तरह से और ये है यूनिट मेम्बरेन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब थर्ड मॉडल है विच इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल दैट इज

फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन आइसबर्गस इन द सी ऑफ लिपिड्स की जो प्लाज्मा मेमब्रेन है इसमें जो प्रोटीन है वो आइसबर्गस की तरह है और जो लिपिड है जो लिपिड बाई लेर है उसको क्या कहा सी मतलब ये कि जो फॉस्फोलिपिड बाई लेर है उसका नेचर कैसा होता है फ्ल्यूडी नेचर होता है और उस पर जो है वो प्रोटीन आइसबर्गस की तरह प्रेजेंट है अब नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं तो अगेन वही स्ट्रक्चर है जो कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं कि इसमें मेन कंपोनेंट क्या रहेगा लिपिड एंड प्रोटीन्स होगा कार्बोहाइड्रेट इसमें प्रेजेंट है सो कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो प्रेजेंट ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट है कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है और कोलेस्ट्रॉल की पोजीशन क्या थी कि ये फॉस्फोलिपिड बाईलेयर के बीच में प्रेजेंट है इस तरह से कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है या फिर स्टेरॉल प्रोटीन्स की हमने बात की पैरिफ्रल प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं यानी कि एक्सट्रेंसिक प्रोटीन्स हैं इंटेग्रल प्रोटीन्स प्रेजेंट है, है. है जैसे कि ये जो मेम्ब्रेन है ये है टनल प्रोटीन और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है क्योंकि कंप्लीटली जो है ये अम्बेडेड है इसमें एंड नेक्स्ट जो है दीज प्रोटीन्स ये जो इंटेग्रल प्रोटीन्स हैं चैनल एक्ट कर रहे हैं तो इनको चैनल प्रोटीन्स भी कहा जाता है और नेक्स्ट हम बात करें तो प्रोटीन जो है वो ग्लोबुलर फॉर्म में भी अरेंज्ड हैं ग्लाइको प्रोटीन्स प्रेजेंट है तो अब बात करेंगे हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की नेक्स्ट है कैरेक्टिस्टिक्स ऑफ फ्लूड मोजाइक मॉडल तो फर्स्ट कैरेक्ट्रिस्टिक क्या रहेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है इट इज लिपोप्रोटीनस यानी कि लिपिड और प्रोटीनस की बनी हुई है और ट्राईलैमिनर है ट्राई लैमिनर मीन्स थ्री लेयर्ड है प्रोटीन बाई लेयर ऑफ फॉसफोलिपिड्स एंड देन प्रोटीन तो थ्री थ्री लेयर्स की यह बनी हुई है ट्राई लैमिनर नेचर है नेक्स्ट इज फॉस्फोलिपिड बाई लेर इट इज फ्ल्यूडी इन नेचर ये कैसी है फ्लूडी नेचर की है एंड इट शोज टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट दो तरह की मूवमेंट ये शो करती है सो so फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कि यह जो फ्लूडी नेचर है यह भी प्रोटीन को जो है वो मूवमेंट प्रोवाइड करता है सो क्वैशी फ्लूड क्वैशी फ्लूड नेचर ऑफ फॉस्फोलिपिड या फिर लिपिड बाइलेयर अलॉस लेट्रल मूवमेंट लेट्रल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स की जो प्रोटीन्स है वो लेट्रल मूवमेंट जो है वो शो करती है किस वजह से फ्लूडी नेचर होने की वजह से फॉस्पोलिपिड बाइलेयर का फ्लूडी नेचर है क्वेश्चन फ्लूड नेचर इसको बोलेंगे इस वजह से क्या है कि जो प्रोटीन्स है वो लेट्रल मूवमेंट शो करती है लेट्रल मूवमेंट मतलब साइड वाइज मूवमेंट हो गया आगे पीछे मूवमेंट हो गया इस तरह की मूवमेंट शो करेंगे सो so, हम बात कर रहे थे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कि ये जो है वो दो तरह की मूवमेंट शो करती है तो फर्स्ट मूवमेंट है ट्रांजिशन मूवमेंट और सेकेंड है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट ट्रांजिशन मूवमेंट का मतलब है मॉलिक्यूल चेंज देयर पोजिशन विद इन सेम लेयर। एक ही लेयर में जो है ये क्या करेंगे अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे बिटवीन लेयर्स मॉलिक्यूल्स चेंज देयर पोजीशन बिटवीन लेयर्स फॉस्फोलिपिड so, uh, जो मॉलिक्यूल्स हैं, ईच फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज अ पोलर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल मीन्स जिसमें हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड्स होंगे हाइड्रोफिलिक जो है वो हेड है और हाइड्रोफोबिक टेल है नेक्स्ट इज प्रोटीन्स जो है डायग्राम में हमने बात की थी कि कैसी है ग्लोबुलर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती है इंट्रेंजिक प्रोटीन्स प्रेजेंट है एक्सट्रेंजिक प्रोटीन्स यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट होंगे अब नेक्स्ट कोलेस्ट्रॉल इट इज प्रेजेंट बिटवीन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर स्टार्टिंग में ही हमने बात की थी कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा बिटवीन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर अब फंक्शन क्या है कोलेस्ट्रॉल या फिर स्टेरॉल का इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द एनिमल मेम्ब्रेन ये क्या करेगा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा सो so, प्रो कैरियोटिक सेल सॉरी प्रो मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंड यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे आर स्ट्रक्चरली सिमिलर एक एक्सेप्शन यहाँ पे रहती है कोलेस्ट्रॉल की दीज आर एब्सेंट इन प्रो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इंस्टेड ऑफ कोलेस्ट्रोल देअर आर हॉपेनोइड्स और इनका भी फंक्शन क्या है दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी तो ये डिफरेंस जो है वो रहेगा सो so, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो मेन कंपोनेंट्स हैं केमिकल कंपोजिशन है उसके बाद की साथ में स्ट्रक्चरल मॉडल्स कौन कौन से दिए गए हैं वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल कौन सा है ये डिस्कस किया सो so, अगर आपको ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू